साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वेस्टी में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जो है पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, इसके पहले भी हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड या फिर उसे एनसीईआरटी पैटर्न भी कह सकते हैं। आज के जो एग्ज़ाम होते हैं आजकल के, वो एनसीईआरटी पैटर्न पे आते हैं। वहाँ पर हमने जो है 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पर जो है एडवांस में पढ़ाऊँगा कि किस कैसे हम जो है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। उसके पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं हम लोग हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये आपका एक समतल होगा, ये आपका एक समतल होगा और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कोई एक मीनार होगी, यहाँ पे आपकी कोई एक मीनार होगी, यहाँ पे आपका कोई सूर्य होगा, ठीक है। हवाई जहाज भी यहाँ पे आपका हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, गुब्बारा हो सकता है, ठीक है। ऐसे कोई भी चीज़ जो है आपकी हवा में उड़ती हो सकती है, आप यहाँ पे हवाई जहाज हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम दोस्तों इस पॉइंट को जो भी आपका होगा उसको देखते हैं, उसको हम देखते हैं, तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इस प्रकार से अपनी पलकों को हल्का सा ऊपर उठाना पड़ता है, हल्का सा ऊपर की ओर। जैसे आपका ये एक इमारत हो गई, तो इसको यदि हम देखेंगे तो इस क्षैतिज पे खड़े होंगे, तो हल्का सा हमको ऊपर की ओर उठना पड़ेगा, अपनी पलकों को उठाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे ये आपका समतल होगा, समतल के साथ जो भी ये एंगल बनेगा थीटा, उसको हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, उन्नयन कोण, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस चैप्टर में आपका जो भी आपका ये वाला पॉइंट होगा वो हमेशा ही कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। सेम यदि आपका जो है मान लीजिएगा कि यहाँ पर आप कोई इमारत होगी और यहाँ पर आप खड़े होंगे, यहाँ पे खड़े होंगे, इमारत पे खड़े होंगे, इस बार कहाँ पे खड़े होना आपको है, इमारत पे खड़ा होना है। और ये आपका इधर कोई एक जहाज, मतलब इस बार जो है पपका पानी का जहाज है, या फिर कोई कार है, कोई मकान है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसको जब हम ऊपर से इस प्रकार से देखेंगे, तब उसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोण होगा ये आपका कहलाएगा अवनमन कोण, अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ध्यान आपको क्या देना है कि मान लीजिएगा कि आपका इस प्रकार से कोई दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे कि आपकी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दो दुई हैं, ठीक है। और उसको अगर एक कोई तिरछी रेखा इस प्रकार से काटती है, तो आपका ये जेड का आकृति बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका जेड का आकृति बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है आपका कैसा रहेगा, समान रहेगा। यदि आपका ये थीटा दिया हुआ है, तो ये भी आपका कैसा होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, समान होंगे। इन कोणों को जो है एकांतर कोण बोलते हैं। कौन से कोण बोलते हैं, एकांतर कोण। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, तो हम कह सकते हैं कि अवनमन कोण जो होता है वो उन्नयन कोण के समान होता है। अवनमन कोण कैसा होता है, उन्नयन कोण के समान होता है दोस्तों। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। तो यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो अब हम क्या देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को जो है हम इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। तो यही आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यदि आपका ये 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है दोस्तों, ये पॉइंट कुछ हैं, इनको आप लोग ध्यान से समझिएगा, आपकी यहीं पर जो है हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका मैंने बताया कि ये 90 अंश होगा, ठीक है, कितना होगा, 90 अंश होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे, चूँकि आपका जो ये 30 दिया हुआ है, ये 90 होता है, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 होता है। तो 90 और 30 हो गया आपका 120 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 60। तो आप क्या हुआ कि ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री के सामने की भुजा को यदि हम A मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि हम 30 डिग्री के सामने की भुजा को A मान लेते हैं, तो जो आपकी 60 डिग्री वाली होगी उसका मान हो जाएगा आपका a√3 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और जो बची भुजा, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि कर्ण या फिर 90 डिग्री की भुजा, इसको हम क्या कहेंगे, 2a। फिर से एक बार देखिएगा इस चीज़ को, फिर से एक बार देख गौर करके देख लीजिएगा। त्रिभुज आपका दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री वाले जो आपका कोण होगा, उसके सामने की भुजा जो भी होगी, सामने की जो भुजा होगी उसको हम ए मान लेंगे,
और जो 60 डिग्री के सामने भुजा होगी उसको हम मानेंगे ए रूट तीन मान लेंगे, और जो बची वाली भुजा है या कह लें कर्ण या फिर 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम 2a मान लेंगे। ठीक, तो एक तो ये हो गया आपका। अब दूसरा देख लीजिएगा, मान लीजिएगा कि ये आपका त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। अब इस प्रकार से ये 45 है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, तो आपका जो ये वाला होगा ये भी कितना हो जाएगा, 45 होगा, चूँकि 90 ये हो गया, 90 45 आपका 135, और 135 में 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, यदि आप इस प्रकार से दिया है तो 45 वाले कोण के सामने की भुजा कितनी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए हम मान लेते हैं। तो जब ये भुजा 45 है, ये भी 45 आपका दिया हुआ, ये भी 45 दिया हुआ, जब कोण बराबर होते हैं, जब आपके कोण बराबर होते हैं तो हमारी भुजाएं भी समान होती हैं या बराबर होती हैं, तो ये भी आपकी कितनी हो गई, ए हो गई। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब जब ये ए है ये ए है तो आप पाइथागोर प्रमेय से इसको भी निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये वाली भुजा होगी वो 2√a होगी, कितनी होगी, 2√a होगी। दोस्तों ये पहली कंडीशन, ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये त्रिभुज जो आपका होगा पलट के इस प्रकार से होगा, या कह लें इसको हम ये देख लिया, ये आपका 60 होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा, ये 90 होगा, और ये आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो 30 के सामने हमने क्या पढ़ा है, ए, 30 के सामने क्या पढ़ा है, ए पढ़ा है ना, ये देखो 30 के सामने ए, और 60 के सामने इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा ए रूट तीन, और 90 के सामने आपका 2a, कब, जब 60 30 का कॉम्बिनेशन होगा, और जब 45 45 का कॉम्बिनेशन होगा तब आपका बनेगा 90 के सामने का 2√a। दोस्तों एक बात और देख लेते हैं, एक और पॉइंट, फिर उसके बाद हम क्लास चालू करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिएगा कि आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है √3 + 1 दिया हुआ है, तो इसका आप लोगों को परिमेयकरण करना आना चाहिए। परिमेयकरण क्या करते हैं कि उसके संयुग्मी से हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इस प्रकार से आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा काम है बताना आप लोगों को। तो अगर आपका 1/√3 + 1 दिया हुआ है तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे कि उसके संयुग्मी, मतलब यदि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो माइनस, और माइनस दिया है तो प्लस से ऊपर नीचे हम गुणा करके जो भी आएगा आंसर उसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग नोट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं वो सभी एनसीईआरटी बुक के दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ पे जाके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, सभी एनसीईआरटी बुक से मैंने लिए हैं, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और ये चार विकल्प दिए हुए हैं कि एक सर्कस का कलाकार है, वो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और भूमि पर लगे सीधे खंभे, तो इस प्रकार से आपका भूमि पर लगा खंभा होगा। ठीक है, शिखर पर बंधा है, यहाँ पे डोरी जो आपकी बंधी होगी, तो जब डोरी ऊपर बंधी होगी तो इस प्रकार से आपका फिगर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि डोरी की लंबाई जो आपकी है ये आपकी कितनी है, 20 मीटर है, कितनी है, 20 मीटर है। फिगर को बनाना आप लोग सीखिएगा, 20 मीटर है बंधा, यदि भूमि पर बनाया गया कोण 30 डिग्री, यदि भूमि पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ABC आपका ये एक बन गया त्रिभुज। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा कि जो A के सामने की भुजा होती है, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात की है, तो ये ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, और 90 के सामने का आपका क्या था, ध्यान से देखिएगा, 90 के सामने की जो भुजा थी ये 30 और ये 60, जब 30 और 60 का बना था तब क्या था, 2a, क्या थी, 2a, तो हमारा 2a बराबर हो जाएगा 20, तो a बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही रहेगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा कि इस प्रकार से आपका ये त्रिभुज बन गया, हमने क्या माना था कि जो 90 के सामने की भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने भुजा कितनी होगी, 2a, और दिया कितना है 20, तो 2a जो बराबर होगा वो 20 के बराबर होगा, निकालना आपको क्या है, a निकालना है, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हमको ये आधार पूछ देता कि जहाँ पे डोर बंधी है और खंभे के पाद के बीच की दूरी निकालिए, तो ये आपका क्या था, ए रूट तीन था, तो हमारा क्या हो जाता, ए का मान 10, तो 10√3, इस प्रकार से हमारा ये हो जाता। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, दोस्तों वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा,
चूंकि आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या है कि भूमि के किसी एक बिंदु से जो मीनार की ओर 30 मीटर जाती, आपका ये मान लीजिएगा कि ये एक आपका भूमि पर बिंदु होगा। अब कह रहा है कि ये मीनार की ओर जा रहा है, इस प्रकार से ये आपका एक बिंदु होगा, इस प्रकार एक रास्ता होगा और यहाँ पर आपकी एक मीनार होगी, ठीक है, इस प्रकार से आपका होगा। तो ये जो रास्ता है ये आपका 30 मीटर का है, कितने मीटर का है, 30 मीटर का है, दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपका मीनार का शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना है, 30 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा ये कितना है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी होती है, ए, सबसे पहले बात ये हो गई भाई, ये तो हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 60 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। तो जो ये भुजा होगी ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ए रूट 3 के बराबर हो जाएगी, ए रूट कितने बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। तो ए रूट 3 इक्वल टू आपका कितना दिया है, 30 दिया है, हमको निकालना क्या है, ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए बराबर आपका जाएगा 30 अपान रूट 3। अब हम 3 से क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 3 बन जाएगा, तो 3 से हम अगर 10 30 को काटते तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो जो हमारी मीनार की जो ऊंचाई है वो 10 रूट 3 निकल के आई, सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। यदि आपका पूछ देगा कि मीनार के शिखर, मीनार के शिखर और जिस पॉइंट पे आपका कोण बन रहा है वहाँ से अगर डोरी एक लगा दिया या रस्सी बांध दिया है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2a। तो 2 इंटू ए, ए का मान हमने निकाला भी 10 रूट 3, तो ये आपका निकल के आएगा 20 रूट 3 मीटर, 20 रूट 3 मीटर निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे और थोड़ा देख लीजिएगा, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कैसे कि यदि आपका कोई एक त्रिभुज दिया होगा, ठीक है, और उसमें दो मान दिए हैं, कैसे, आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, ये आप यदि आप जो है मीनार की ओर चलें, मीनार की ओर चलेंगे इधर की ओर, ठीक है, तो अब ये बताइए यदि आपका थीटा 1 है और मान लीजिएगा यहाँ पे पॉइंट आपका दिया हुआ है और ये हो गया थीटा 2, तो थीटा 1 और थीटा 2 में बड़ा कौन सा होगा, जो थीटा 1 है और थीटा 2 है इनमें बड़ा कौन सा होगा, थीटा 2 बड़ा होगा, थीटा 2 बड़ा होगा, ध्यान से देखिएगा। जब इस प्रकार से हम चलते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पे कम इसका जो स्पेस है कम हो रहा है, और जब आगे जाएंगे तो उतना ही हमारा स्पेस बढ़ जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितना भी हम मीनार के नज़दीक जाएंगे पाथ तक, उतना ही जो हमारा एंगल होगा वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे अब ये बड़ा हो जाएगा, आगे चलेंगे तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, और ये लास्ट में हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये वाला आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर लेते हैं, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, आइए। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लीजिएगा कि ये आपका एक भवन है, ये आपका एक भवन दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कितनी दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये आपका 30 मीटर की दूरी, नहीं देख लीजिएगा, 30 मीटर ऊंचे है, तो दोस्तों इसकी जो ऊंचाई दी है ये 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है, तो मान लीजिएगा कि यहाँ पे खड़ा होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तब उसकी आँख का उन्नयन कोण जो है 30 से 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है कब, जब वो भवन की ओर चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये 30 था पहले, और चलेगा किधर की ओर, इधर की ओर चलेगा ना, मैंने पहले बताया था कि जब आप भवन की ओर या मीनार की ओर चलेंगे तब कोण जो है इंक्रीज करता है, या उसे कहते हैं कि बढ़ता है, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री होता है। अब कह रहा है कि वो कितनी दूरी चलकर गया, मतलब ये दूरी जो आपकी है एक्स, ठीक, ये आपका जो है निकालना है। तो अब मान लीजिएगा कि ये जो दूरी आपकी होगी, ये वाली दूरी, ये हमारी वाई होगी, कितनी होगी, वाई होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब हम पहले त्रिभुज जो आपका ये दिया हुआ है 60 डिग्री वाला त्रिभुज, ठीक है, इस जो आप लोग जो इसको तुरंत करना है तो कैसे करना है कि 60 के सामने की जो दूरी होती है वो हमारा क्या होता है, रूट 3 या ए रूट 3, ए रूट 3। तो यहाँ से अगर हम ए बराबर निकालें, क्या निकालें, ए बराबर अगर निकालेंगे तो 30 बटे रूट 3, या इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा निकल के आया 10 रूट 3। तो जो ये मान निकल के आया, ये वाला मान, तो निकल के कितना आया, 10 रूट 3, 10 रूट 3 निकल के आ गया। अब देखिएगा ध्यान से कि ये आपका 30 है, ये आप कितना है,
30 है, तो इस बार जो ये वाली भुजा होगी, ये वाली भुजा, इस बार हम जो है इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं। तो अब ये आपका क्या है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। भाई पहले में तो आपका ये 30 था, तब ये हमारा ए हुआ, इस बार ये 30 है तो हमारी ये हमारी मान लेते हैं कि हमारा ये कैपिटल ए होगा। क्या होगा? कैपिटल ए। और जिसका मान आपको जो है पता है, जिसका मान आपको पता है, ठीक। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये आपका जो है ए बराबर क्या होगा, ये हो गया। अब ये वाली भुजा आपकी ये हो जाएगी ए रूट थ्री हो जाएगी। अब यहाँ से हमको मान क्या निकालना है, ये वाला मान निकालना है। अगर हमको पूरी भुजा का मान पता चल जाता है, ये पूरा मान हमको पता चल जाता है, तो हमारा ए रूट थ्री, ध्यान से देखिएगा, ए रूट थ्री जो होगा वो एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। जो आपका एक ये है ए, ए का मान कितना दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये पूरी भुजा 30, तो 30 रूट थ्री हो गया। और x का मान हमको निकालना है और y का मान हमने पहले से निकाल लिया है 10 रूट थ्री। अब हम x का मान कह सकते हैं कि ये निकल के आएगा 20 रूट थ्री मीटर। तो जो ये यहाँ से यहाँ तक चल के गया वो दूरी कितनी थी, 20 रूट थ्री थी। फिर से एक बार इसको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है जब तक आप लोग फिगर में ही लगाना नहीं सीखेंगे, क्योंकि टाइम वहाँ पे जो आप लोगों को मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फटाफट हमने फिगर को बना लिया। ये आपका कितना दिया है, 60 दिया है, तो 60 के सामने की जो भुजा होती है वो होती है ए रूट थ्री, हमने पहले बताया। तो ए रूट थ्री बराबर आपका 30 दिया हुआ है, तो ए बराबर हमने बताया कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे। तो ए का मान ये निकल आया, तो जो ये ए का मान होगा वो आपके लिए ये वाली दूरी निकल के आएगी, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में आपका जो है 30 ये आपका है, तो 30 के सामने आपकी ये ए हो जाएगी, तो ये मान हमारा 10√3 निकल के आ गया, ठीक। अब क्या करना है, वैसे तो हमको मान निकालना है एक्स का, जो क्वेश्चन में कह रहा है कितनी दूरी चला। तो उसके लिए क्या है कि हमने जो है ये वाला जो आपका एंगल है, ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना, ओ सॉरी 60 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने की भुजा क्या होती है, ए रूट थ्री, तो इस बार हमने कैपिटल ए मान लिया, कैपिटल ए मान लिया, तो ये ए रूट थ्री हो गया। और जो ये वाली भुजा है वो हमने ए मान ली, कितनी मान ली, ए मान ली। तो अब क्या हुआ कि जो ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक है वो किसके बराबर होगी, ए रूट थ्री जो होगी एक्स प्लस वाई के बराबर होगी, जो मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे मैंने मान रख दिया और ये हल होके आ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग शेयर किया करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।